أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त अहबाब अल्लाह पाक की ख़ास रहमत के तफ़ैल खैर वाफ़ियत के साथ खुशबाश होंगे। और मेरे तमाम दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद हाज़िर हुआ हूँ और आपके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त मेरे इस मैसेज को ज़रूर गौर से सुनेंगे और इस पर ज़रूर अमल भी करके दिखाएँगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में सलामती अता फरमाए, अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और आपको इस बात पर पूरा पूरा उतरने की ताकत और हिम्मत दे। मेरे तमाम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार नेमतें नाजिल की हैं। इन तमाम नेमतों का हर वक्त इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए खुश दिली के साथ। और मेरे तमाम दोस्तों, सूद का मामला, आज मैंने सूद के मामले पर बात करनी है। सूद का मामला इंतहाई संगीन नौयत का मामला है, क्योंकि इंसान अपनी जमा पूंजी भी इस सूद के चक्कर में गंवा देता है। आपको मैं एक बात थोड़ी सी समझाना चाहता हूँ, जिसमें आपको वाज़े तौर पर पता चल जाएगा कि वाकई इसमें हकीकत ये खसारे का काम है। क्योंकि अगर हम सूद किसी बैंक से 1 लाख रुपए की रकम लेते हैं, तो इसमें सूद की रकम शामिल करके 1,40,000 रुपए हो जाती है। इसलिए मेरे तमाम दोस्तों, आपसे गुजारिश की जाती है कि आप इस तरह के मामलों से दूर रहें, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से आजकल इस कदर हालात शदीद परेशानी और अजियत का सबब बन गए हैं कि जो लोग सूद के लेन देन की ज़रब तकसीम को जानते हैं, उनको इस चीज़ का ज़रूर मालूम होगा कि जब हम 1 लाख रुपए तो ले रहे हैं और उसके ऊपर 37,000 रुपए 37% जो गवर्नमेंट वसूल करती है, गवर्नमेंट ने खुली बदमाशी ये इन लोगों को दी हुई है, छूट दी हुई है कि जो जैसा चाहें वैसा करें। तो इस सिलसिला के नतीजे में अवाम को मज़ीद मकरूज करने की एक सही कर रहे हैं। इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस तरह के लेन देन से अब छुटकारा पाने का वक्त आ गया है। जो पिछला लेन देन मामला हो चुके हैं, उसको कवर करने की कोशिश करो ताकि आपके ऊपर जितना भी कर्ज का बोझ है वो ख़त्म हो सके। आइंदा हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक या दूसरे जो भी अदारे हैं, उन तमाम अदारों का बाइकाट करें ताकि आपकी ज़िंदगी पुरसकून और आपके अहले खाना की ज़िंदगी भी पुरसकून हो सके। तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त इस मेरे बात को ज़रूर गौर करके इन तमाम अदारों का बाइकाट, मुकम्मल तौर पर बाइकाट करेंगे। क्योंकि अगर बाइकाट करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में एक इनकलाब आएगा। अगर आप उसी तरह लेन देन करते रहे जिस तरह अब कर रहे हैं, तो यकीनन फिर आपकी ज़िंदगी में खुशियों की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करूंगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे अपने दोस्त अहबाब में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला एक नए मैसेज के साथ, एक नए पैगाम के साथ मैं आप तमाम दोस्तों के साथ फिर दोबारा शरीक होऊंगा। तो इंशाल्लाह ताला उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।